गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी हम लोग दरगाह मेला जा रहे हैं। दरगाह मेला बहराइच का बहुत ही फेमस मेला है और मेरी सिस्टर से मेरे भाई भी है, तो से हाय गाइस। हेलो अंजलि, आप इन लोगों को जानते होंगे। ये अंजलि मैम जो है वो आधारशिला पर पढ़ाती है। अगर आप लोग MS SSC नोट्स पे पढ़े होंगे तो वो आप लोग जानते होंगे अंजलि मैम को। She is my sister. अभी हम लोग जा रहे हैं दरगाह मेला। आप लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। सो आगे चलते हैं। तो गाइस हम लोग दरगाह मेला पहुँच चुके हैं और यहाँ से शॉप शुरू होती है। ये देखिए, यहाँ पे हर टाइप की दुकान है। ये है बेड शीट की दुकान। बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं मेला देखने। ये छोटी सी एक ऐसी मजार है और जो मेन मजार है वो अंदर की तरफ जाके मिलती है। यहाँ का कप प्लेट बहुत ही फेमस है और चूरा, बताशा, बरसोला लोगों को पता ही होगा, वो भी यहाँ का बहुत फेमस है। ये है जो मेन दरगाह है, दरगाह शरीफ, और इसीलिए इसको कहते हैं दरगाह शरीफ का मेला। जेठ के महीने में ये मेला लगता है, वही गर्मी में ही, जून के टाइम में, और ये पूरा एक महीना मेला लगता है। पर पिछले 2 साल से यहाँ पे कोई मेला नहीं लगा क्योंकि कोविड चल रहा था और कोरोना के चलते हुए मेला बंद करा दिया गया था। अब की स्टार्ट हुआ है। ये जंजीर है, इस पे ही लोग चूम कर फिर अंदर जाते हैं, पूजा करते हैं और इसके अंदर चादर चढ़ाते हैं। यहाँ की मन्नतें बहुत ही पूरी होती हैं, तो ये बहुत ही मान्यता प्राप्त है। जो लोग यहाँ आते हैं उन्हें जायरीन कहते हैं, और ये हूँ मैं, तो अभी के लिए तो हम भी जायरीन ही हैं। और यहाँ का सामान बहुत ही कम रेट में होता है, इसीलिए लोग बाहर बाहर से आते हैं यहाँ पे शॉपिंग करने। और हर चीज़ बहुत ही सस्ती थी, 5 रुपये हर माल। कोई भी चीज़ आप लेंगे तो 5 रुपये में ही मिल जाएगी। यहाँ पे हर तरह का रेट रहता है और कुछ दुकान तो फिक्स रेट होती है, हर माल 5 रुपये, 10 रुपये या 30 रुपये। और कुछ शॉपकीपर होते हैं वो थोड़ा महंगा महंगा रेट लगाते हैं, लेकिन आपको उन्हें कम कराना होता है, वो आपका स्किल है। ये लकड़ी की शॉप है और यहाँ पे हर चीज़ लकड़ी की बहुत ही अच्छी मिल रही थी। विंड चेन वगैरह सब कुछ था, बच्चों के लिए झूला, कॉर्नर, तो आप लोग देखिए कितना अच्छा यहाँ पे है। और ढोलक यहाँ की बहुत ही फेमस है, ढोलक यहाँ पे बहुत ही सस्ती भी मिलती है। बस ये कि लेने कौन जा रहा है, अगर उसको बार्गेनिंग करनी आती है तो अच्छा। ये तोता हम लोगों को दिख गया और बहुत ही सुंदर था, 10 रुपये में 2 जोड़े, तो हम लोगों ने ले लिया। और आगे चलेंगे फिर मजार के अंदर ही, एक ऐसी छोटी सी मजार टाइप का बना है और उसके अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी शॉप थी। यहाँ पे शॉपिंग करने का अलग ही मज़ा रहता है। और यहाँ पे बच्चों के खेलने के भी बहुत से सामान हैं, इयररिंग वगैरह। ये बहराइच में मेला लगता है और बहराइच में ऐसी मार्केट नहीं है, मतलब मार्केट तो है पर इतने सस्ते रेट में इतनी अच्छी चीज़ें नहीं रहती। यहाँ पे लोग बाहर से आते हैं और अपना अपना सामान लगाते हैं स्टॉल, तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी सस्ता। ये झुमके 5 रुपये में, ये गले का सेट है पूरा, ये 15 रुपये के हैं, इसे आप कितने भी ले लो। स्लीपर वगैरह ये सभी बहुत ही सस्ते थे वहाँ पर। अगर सस्ते सामान है यहाँ तो महंगे भी सामान है, और ऐसा नहीं कि जो सस्ते सामान है वो ख़राब हो जाएंगे या टूट जाएंगे, बस ये लोग बाहर से लेके आते हैं। और यहाँ पे ये अंजलि मैम थी आधारशिला की, तो आप लोग जानते ही उनके चैनल को। और ये जूतियाँ जो बाहर बहुत ही महंगी मिलती हैं, ये देखिए क्यूट सी बिल्ली, ये 40 रुपीज़ की थी बिल्ली, और ये आवाज़ भी करती है। लकड़ी के सामान के लिए तो ये मेला बहुत ही फेमस है। आप लोग यहाँ पे आइए, लोग शॉपिंग के चक्कर में बहुत आते हैं यहाँ पे। ट्रे लकड़ी का मतलब कुछ भी आइटम आप बहुत ही सस्ता और यूनिक सा आइटम ले सकते हैं। और ये है फ्रूट आइसक्रीम, मिक्स फ्रूट आइसक्रीम है और खाने में बहुत ही टेस्टी थी। हम लोगों ने भी लिया इसे, एक प्लेट थी 20 रुपये में और 10 रुपये की भी प्लेट मिल रही थी, तो हम लोगों ने 20 वाली प्लेट ली रोल फ्रूट आइसक्रीम की। और टेस्ट पहली बार हम लोगों ने ट्राई किया था इसे, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। इसके अलावा यहाँ पे खाने पीने के लिए सॉफ्टी आइसक्रीम है, वो भी बहुत ही फेमस है, और बहुत कुछ है जो आप लोग खा सकते हैं, नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, कैंडी, और हम इसे बुढ़िया का बाल भी कहते हैं, वो भी बहुत फेमस है। ये है आपका पराठा हलवा, जिसे कहते हैं हलवा पराठा, कुछ भी कह सकते हैं। और एक पराठा इतना बड़ा होता है, बहुत ही मेहनत से बनाते हैं ये, और यहाँ के बहुत ही फेमस है हलवा पराठा।
सो गाइज आप लोग जरूर आइए इस मेला में, और अगर आप लोगों को शॉपिंग करनी है या फिर यहाँ का व्यू देखना है, झूले देखने हैं, तो बहुत ही अच्छा है। हम सब सिस्टर एंड एक हमारा भाई गए थे या इस मेले में बादाम शेक, मतलब, और ये चीज़ आप लोगों को तो पता ही होगा, मेले में ना हो तो क्या ही मेला। इसमें निशाना लगाना होता है बंदूक से, तो जितने बलून फोड़ लो उतने गिफ्ट मिलते हैं। बाकी झूला झूला हमने तो नहीं झूला था, तो अभी तबीयत नहीं सही थी इसलिए झूला नहीं झूला। यहाँ पे आप टैटो भी बनवा सकते हैं, मेला में तो यही सब होता है। और झूले बहुत ही वैरायटी के, बहुत ही बड़े बड़े झूले थे, छोटे झूले बच्चों के लिए थे। तो हमारे यहाँ एक निक्की है, हमारी सिस्टर, उसने झूला झूला, सबसे बड़ा वाला झूला झूला, कई झूले झूले उसने, 3-4। तो गाइस झूला झूल के उसे बहुत ही अच्छा लगा और मज़ा आया। इस जगह ये स्टूडियो है, तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे फ़ोटो शूट कराएंगे तुरंत आपको फ़ोटो मिल जाएगी। हम लोग गए थे और अंदर की डेकोरेशन बहुत ही अच्छी थी। यहाँ का मेन फेमस चीज़ अगर कहें तो झाड़ू भी है, जो लोग झाड़ू लगाते हैं घर में वो बहुत ही फेमस है। हमारे यहाँ हर साल दरगाह मेला से झाड़ू आता है, एक बार ले लो 2 साल चलता है आराम से। सो अगर आप लोग एक बार यहाँ पे आएंगे तो हर बार आने का मन करेगा। दरगाह मेला बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छा मेला है। हम लोग तो काफ़ी ज़्यादा वेट करते हैं कि हाँ दरगाह मेला आएगा, वहाँ पे ये करना है, वो खरीदना है, कप प्लेट, घर के डेकोरेशन की चीज़ें, इयररिंग्स तो 10 रुपये में बड़े बड़े झुमके मिल जाते हैं। सो आप लोग एक बार यहाँ पे आके एक्सपीरियंस ज़रूर करिएगा। ये झूले के लिए सभी लाइन लगाए खड़े हैं, और यहाँ पे सॉफ्टी आइसक्रीम मिल रही थी तो हम लोगों ने सॉफ्टी आइसक्रीम खाई। सो अगर आप लोगों के कमेंट मुझे अच्छे लगेंगे तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अपलोड करूँगी। और हाँ, अगली वीडियो किस टॉपिक पर हो ये ज़रूर बताइएगा। आ चुके हैं जिस रास्ते से हम लोग पहले आए थे, वो काफी ज्यादा गंदा था। इसके नीचे से आए थे और टूटी फूटी सड़कें थी, जितना हचका लग रहा था कि पूछिए ना। हाँ भैया, मैंने ऑटो करने से पहले ही पूछ लिया कि ओवर ब्रिज से चलना है तो चलेंगे। तो गाइस सभी लोग ऐसे ना, फोन ना थोड़ा अलर्ट होके वीडियो बनानी पड़ती है क्योंकि मेला में चोरी बहुत होता है, इसलिए अच्छे से पकड़े और ज्यादा वीडियो नहीं बन पाई है। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। बढ़िया लगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।